नमस्कार, निशामधुलिका.com में आपका स्वागत है। आज हम चना दाल की बहुत ही जल्दी बनने वाली बर्फी बनाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी बनती है, इसे आप किसी भी त्यौहार पर या कभी भी बनाकर खा सकते हैं। चना दाल की बर्फी बनाने के लिए हमने चने की दाल को साफ करके हल्के गुनगुने पानी में भिगोया। दाल को हमने 2 घंटे भिगोकर ले लिया है। दाल को हम छलनी में 5 मिनट रहने देते हैं ताकि पानी पूरी तरीके से इसमें से निकल जाए। और जब तक ये दाल निचोड़कर तैयार होती है, हम अपने ड्राई फ्रूट काटकर तैयार कर लेंगे। हमने ये 20 काजू लिए हैं, एक काजू के 7-8 टुकड़े करते हुए काटेंगे। और हमने ये 20 बादाम लिए हैं, इनको हम लंबाई में पतला पतला काट लेंगे। और ये पिस्ते हम एकदम पतले पतले काटेंगे। इलायची को छीलकर इनका दरदरा पाउडर बना लेंगे। इलायची को हल्का सा कूट लें और फिर इसे छीलें तो बड़ी आसानी से छिल जाती हैं। दाल को हमने अच्छी तरीके से निचोड़ लिया, कपड़े पर डाल देंगे और दाल को थोड़ा सा पोंछ लेते हैं। अब हम इसे भूनेंगे। पैन में हम 4 टेबलस्पून घी डाल देंगे। घी मेल्ट हो गया है, घी में हम दाल डाल देते हैं। दाल को हम लगातार चलाते हुए क्रिस्पी होने तक भूनेंगे, आग तेज रखेंगे। दाल का कलर चेंज हो गया है, दाल क्रिस्पी हो गई है। दाल को खाकर देख सकते हैं, दबाकर देख सकते हैं, दाल भुन गई है। तो हम गैस बंद करते हैं और कढ़ाई में से दाल प्लेट में निकाल लेते हैं, क्योंकि दाल को हमें ठंडा करना है। और दाल भूनने में हमें 12 मिनट लगे हैं। दाल ने बहुत ही कम घी एब्जॉर्ब किया है, काफ़ी घी कढ़ाई में बचा हुआ है। दाल हल्की ठंडी हो गई है, हम इसे पीस लेते हैं। बिल्कुल रवा की तरह से ये पिसकर तैयार होती है। ये घी हम अलग प्याले में निकाल लेते हैं, बाद में डाल देंगे। और कढ़ाई में हम चाशनी बना लेते हैं। तो ये हमने 1 कप चीनी ली है और ये हमने 2 कप दूध लिया है। हम इसकी चाशनी दूध में बना रहे हैं। चाशनी बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस चीनी को दूध में घुलने देना है। तो गैस ऑन कर देते हैं। दूध में उबाल आ रहा है, चीनी घुल चुकी है। अब हम ये दाल का पिसा हुआ आटा दूध में डाल देंगे। गैस मीडियम कर देते हैं और इसको मिलाते हुए हम तब तक पकाएंगे जब तक कि हमें बर्फी की कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती। और ये जो घी हमने कढ़ाई में से निकाला है वो भी हम इसी में डाल देते हैं। और जो घी हमने पहले से बचा के रखा है वो भी हम इसी बर्फी में डालेंगे। अगर आप घी कम डालना चाहते हैं तो ये घी आप नहीं डालें तो भी बर्फी बनकर तैयार हो जाएगी। हमने गैस धीमी कर दी है और हमारा ये जो मिश्रण है गाढ़ा हो गया है एकदम। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो हम इसमें काजू डाल देते हैं और बादाम भी थोड़े से बचा लेते हैं। इलायची का पाउडर भी डाल देंगे। अब हम ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाते हैं। बर्फी का मिश्रण काफ़ी गाढ़ा हो गया है, जमने वाली कंसिस्टेंसी आ गई है। हम इसे प्लेट में जमाएंगे। तो गैस हम बंद कर देते हैं और हम प्लेट को थोड़ा घी लगाकर चिकना कर लेते हैं और इसे हम दबाकर प्लेन कर देंगे। इसके ऊपर हम ये थोड़े से कतरे हुए बादाम और थोड़े से पिस्ते डाल देते हैं और इसे हम थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये ड्राई फ्रूट बर्फी में फिक्स हो जाए। और अब ये बर्फी हम ठंडी होने के लिए रख देते हैं। बर्फी जमकर तैयार हो गई है, हम इसे पीसेस में काट लेते हैं। पीसेस अपनी पसंद के अनुसार छोटे या बड़े कैसे भी किए जा सकते हैं। प्लेट को हम नीचे से बिल्कुल 10 सेकंड के लिए गर्म कर लेंगे तो बर्फी बहुत जल्दी बड़ी आसानी से निकल आएगी। इस तरीके से इसको घुमाते हुए गर्म करेंगे।
चना दाल की बर्फी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी बर्फी बनी है और बड़ी आसानी से बन गई है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप चना दाल को भूनें तो पूरे तरीके से उसे चेक करें, वो क्रंची भुननी चाहिए। बर्फी को फ्रिज में रखकर पूरे 10-12 दिन तक खाया जा सकता है। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।